अन्य युगों की कंपेयर में कलयुग के जीवों की आयुष्य बहुत कम है। सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक जीते थे, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयुष्य होती थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयुष्य, परंतु कलयुग में मात्र 100 साल की आयुष्य। और 100 साल ये तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन आज 100 साल कोई जीता नहीं है। आज के मनुष्य की आयुष्य सब आयु मिलाकर पंच दशा, कुल मिलाकर 50, 60 या 70 तक तो हरि बोल, और 70 साल से अधिक यदि जी भी लिया तो वो क्या जीना, हॉस्पिटल के बेड पर या घर के बिस्तर पर, न ठीक से खा सकते हैं, न ठीक से चल सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं। आयुष्य बहुत कम है भक्तों, परंतु कलयुग के जीव की आयुष्य कम है, लेकिन प्लान तो ऐसे हैं कि आदमी कल्प कल्प तक जीता रहेगा। काकभूषणी जी ने कहा, सब आयु मिलाकर पंच दशा, कल्पांत न जान गुमान असा। अभिमान मन में इतने प्लान है कि कल्प कल्प तक हम जीते रहेंगे। आज का आदमी घर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, बिजनेस करता है, तो ऐसे प्लान बनाता है कि कम से कम 10,000 वर्ष तक तो ये सब चलता रहे। जीने वाला है कुल मिलाकर 100 साल। इसलिए भक्तों, जीवन में समय बहुत कम है, और इस कम समय में अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज गिनती कराते हैं, मानो किसी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे की रात जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसका अर्थ है 100 साल की आयु है तो 50 साल तो रात में ही बीत गए, बचे मात्र 50। उस 50 साल में 20 साल बचपन में बीत गए, 20 साल बुढ़ापे में सब चले जाएंगे, बचे हैं मात्र 10 साल। और उस 10 साल में हम कितना प्लान लेकर बैठे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना कमाएंगे, बच्चे, बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे, ये बताइए पढ़ने का समय कहाँ है। ऋषि मुनियों का ये पढ़ना ये अच्छी बात है, परंतु ऋषि मुनियों का ये कहना है कि मात्र संसार के लोगों के ऊपर मत छोड़ दीजिए। जैसे लोकसभा में होता है, लोगों के ऊपर आप मत छोड़िए, आप स्वयं बता दीजिए शास्त्र का सार क्या है, शास्त्र का निचोड़ क्या है। तो प्राय अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुता। कलयुग में लोगों की आयुष्य कम है, श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये कलयुग के लोगों की आयुष्य कम होने का कारण क्या है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सबसे पहले तो अनियमित आदत, कलयुग में मनुष्य की आदतें जो है अनियमित है, उनका खाना पीना सोना ये सब कुछ अनियमित, और अनियमित होने के कारण, जीवन पंचुलेट नहीं होने के कारण, अनियमित होने के कारण आयुष्य घट जाती है। दूसरा कारण असाधारण भोजन, कलयुग का आदमी भोजन करता है लगता है दूसरी बार नहीं मिलने वाला है, जीवन में जितना खाना है जो खाना है बस अभी खा लो खत्म करो, बस आगे नेक्स्ट टाइम अब नहीं मिलने वाला। अनियमित भोजन, जरूरत से अधिक खाना, जरूरत से कम खाना, ये इससे आयुष्य नष्ट हो जाती है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार युक्त हो। श्री प्रभुपाद कहते हैं अनियमित आदत, असाधारण भोजन और अधिक इंद्रिय तृप्ति।
बहुत मात्रा में इंद्र तृप्ति करने से आयुष्य घट जाती है। और एक प्रभुपाद ने कहा, दूसरों की दया के ऊपर आश्रित रहना, दूसरों की दया पर आश्रित रहने से आयुष्य घट जाती है। दूसरों की दया पर आश्रित रहने से आयुष्य घट जाती है। प्रभुपाद के इस पॉइंट पर यदि हम विचार करें कि दूसरों की दया पर आश्रित रहने से आयुष्य कैसे घट जाएगी, हम बस आश्रित रहते हैं कि वो हम पर दया करेंगे, वो हमें धन देंगे, वो हमें भोजन देंगे, और देने वाले तो देते हैं, लेकिन मात्र उन पर आश्रित रहने से हमारी आयुष्य वो ले लेता है, हमारे पुण्य, हमारी साधना, हमारा तेज, हमारा प्रभाव, हमारी सेवा करने वाला ले लेता है। हम तो ये सोचते हैं कि मुफ्त में भोजन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की सेवा हमने ली है, इसका अर्थ है हमारी साधना चली गई, हमारी भक्ति चली गई। तो श्री प्रभुपाद ने कहा, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहने से आयुष्य घट जाती है। इसलिए भक्तों, स्वयं मेहनत करनी चाहिए। स्वयं मेहनत करने से उम्र बढ़ती है। आज हम देखते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो वास्तव में परिश्रम करते हैं, वो बिल्कुल शरीर से फिट होते हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं होता, और उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। स्वयं, और इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में एक बहुत सुंदर विधि बनाई। सुबह मंगला आरती में जगो, मंगला आरती करो, भागवत क्लास सुनो, और भागवत क्लास के बाद प्रसाद लेकर फिर चाहे फुल टाइम भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, सब लोग सेवा में लगो। समाज में, संसार में ब्रह्मचारी संन्यास का अर्थ है एक मठ मंदिर बनाकर बस सोफे पर बैठना और सोना। श्रील प्रभुपाद ने निष्क्रियता का वर्णन कभी नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे। इसलिए प्रसाद लेकर 9 बजे 10 बजे सब लोग, यदि लाइफ मेंबर बनाना है लाइफ मेंबर बनाओ, प्रीचिंग करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सेवा करनी है, और शाम को 5 बजे वापस मंदिर में आओ, बिल्कुल थक कर आओ, प्रसाद लो, आरती करके सो जाओ। प्रभुपाद ने यह क्रम रखा, बिल्कुल एक एक वैज्ञानिक विधि है ये। किसी की, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहने से आयुष्य घट जाती है, उम्र घट जाती है। श्रील प्रभुपाद की ये लेखनी, और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आयुष्य कम होने का और एक कारण, भौतिक उपकरणों का अत्यधिक इस्तेमाल। ये भौतिक वस्तु का अत्यधिक इस्तेमाल आयुष्य को नष्ट कर देता है। ये आज हम जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं बहुत काम की चीज है, लेकिन इसमें इतने रेडिएशन होते हैं, ये भौतिक उपकरणों में इतने रेडिएशन होते हैं कि हमारी आयु को कम कर देते हैं। हो सकता है कि ज्यादा दिन हम जी जाए, लेकिन जिए ऐसे बचते नहीं है, जीवन जीने लायक नहीं बचता है। इसलिए भौतिक उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करें। और आज तो बहुत बड़ी, भारतवर्ष में तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, गाय की सेवा और ज्यादा से ज्यादा गाय की वस्तुएं इस्तेमाल करना, गौमूत्र का इस्तेमाल, गाय से बने हुए घी का, उनके साबुन का, अनेकों प्रोडक्ट आप यहां से बाहर निकलते हैं। तो वक्त ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उम्र बढ़ती है, श्रील प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में ये कहा है। तो आयुष्य प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्युपद्रुता। तो अल्प आयुष्य है। हे सुत जी, संसार में लोगों की आयुष्य बहुत कम है,
और इससे कम आयुष्य में कैसे शास्त्र को पढ़ पाएंगे, चार वेद 108 उपनिषद है 18 पुराण, कैसे इन सब शास्त्रों को पढ़ेंगे। उससे अच्छा है आप ही इन सब शास्त्रों का सार बता दीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर टीका लिखी। उन्होंने कहा, मान लो यदि कदाचित कलयुग में किसी की आयु दीर्घ हो जाए, ऐसा कहा प्रायण अल्प आयुष्य, कलयुग के जीव की आयुष्य कम है, मान लो कदाचित कलयुग के आदमी की आयुष्य बढ़ जाए, यदि लंबी आयुष्य मिल भी जाए तो कहते हैं मंदा। यदि किसी को आयुष्य मिल भी गई, लंबी आयुष्य तक जीते हैं तो मंदा। मंदा का अर्थ है परमार्थ करने में आलसी है। आयुष्य है तो शरीर में आलस भरी हुई है, इतनी आलस भरी हुई है, इतनी आलस। हां, भौतिक कार्य करने में कोई आलस नहीं, लेकिन परमार्थ करने में बड़ी आलस है। मंदा, ये मंद शब्द। मान लो यदि उम्र मिल गई, किसी की बहुत लंबी उम्र है तो वे आलसी है परमार्थ करने में, आध्यात्मिकता में वे आलसी। इसलिए हमारे देश में कहावत है ना, हरि भजन में आलसी, राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। भोजन में बड़े एक्सपर्ट है हमारे सार्वभौम प्रभु कहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत क्लास शुरू होता है तो इतनी आलस के नींद आ जाती है। और कितनी भी गहरी नींद हो, जैसे ही महाप्रसाद है गोविंदे, दौड़ कर जाएंगे, बिल्कुल दौड़ कर। भोजन में होशियार, राम नाम में आलसी, हरि भजन में, भगवान की भक्ति में आलसी है, भजन करने में आलसी है। यदि क्रिकेट मैच देखनी होगी, टीवी देखना होगा तो रात भर देखेंगे, लेकिन 5 मिनट भी प्रवचन ज्यादा हो गया तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, प्रवचन देरी से बंद होता है, ये प्रॉब्लम। परमार्थ कार्य में बड़े आलसी है। ये कलयुग के जीवों की दुर्दशा है भक्तों। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि मनुष्य जीवन मिला है अनेकों प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए। 84 लाख के चक्कर में फंसते फंसते सारे जीव अनेकों प्रकार का दुख भोगते हैं, और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में हम इन सारे दुखों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य को आलस त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए, तीव्रता से परिश्रम करना चाहिए। संसार में कुछ लोगों का मत है भजन भक्ति करने का अर्थ है बस निष्क्रिय बन जाना, निष्क्रिय कुछ न करना, यही भक्ति। परंतु श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया कि भक्ति किसे कहते हैं तो प्रभुपाद कहे कि उत्तर एक्टिव डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस भगवान की आध्यात्मिक सेवा, भगवान की सेवा, लेकिन कैसे एक्टिव होकर है, ऐसा नहीं मरते हुए मरे हुए, ठीक है कर लेंगे, हुआ तो करेंगे, जगा तो आएंगे। प्रभुपाद ने कहा एक्टिव डिवोशनल सर्विस, एक्टिव होकर भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान के भजन में परिश्रम होना चाहिए भक्तों। परंतु कलयुग के जीवों में स्वाभाविक आलस्य है, तो स्वाभाविक आलस्य होने के कारण आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। संसार के लोग शिक्षा देते हैं तो भौतिक शिक्षा, अध्यात्मता में आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं इस दुनिया में, कोई सपोर्ट नहीं। स्कूल में जाइए तो टीचर बच्चे को प्रेशर करती है होमवर्क करके आना, माता पिता कहते हैं होमवर्क करो,
सब लोग, पत्नी कहती है पैसे लेकर आओ, बच्चे कहते हैं खिलौना लेकर आओ, दुनिया में सभी चीज के लिए प्रेशर है, दुनिया में सभी वस्तुओं के लिए लोग आपको उत्साह देंगे, पढ़ने के लिए उत्साह दो, कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए लोग उत्साह देंगे, पैसे कमाने के लिए लोग उत्साह देंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई उत्साह नहीं देगा। यदि भक्ति करना चाहते भी है तो लोग आपको नीचे गिराएंगे। इवन सगा भाई भी, आप अपनी ऑफिस काम धंधा छोड़कर आओ तो सगा भाई भी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई कथा सुनने के लिए जाए। कितना हूं सुवध हो, प्रिय हो, बिजनेस पैसे कमाने हो तो उत्साह मिलेगा, पढ़ाई करनी है उत्साह मिलेगा, पैसे कमाने उत्साह, संसार में सभी कार्य के लिए लोग उत्साह देते हैं, लेकिन भजन करने में कोई उत्साह देने वाला नहीं। एक तो जीव ऑलरेडी आलसी है भजन करने में, और उसमें भी उत्साह देने वाला कोई नहीं, तो महाराज कैसे ये लोग शास्त्र को पढ़ेंगे। एक तो उम्र कम है, और यदि उम्र भी हो गई तो ये लोग आलसी हैं। ये आलसी लोग कैसे शास्त्र को, मैंने कल बताया ना भगवद गीता एज इट इज, ग्रंथ तो सबके पास है, पुस्तक सब लोग रखते हैं, लेकिन पढ़ते कौन है। इसलिए आप ही इनका सार बता दीजिए। भक्तों, दूसरे शब्दों में ऋषि मुनियों का प्रश्न है कि आप ऐसा मार्ग, ऐसी चीज बताइए जो इस दुनिया का आलसी से आलसी व्यक्ति भी कर सके, ऐसी चीज जो आलसी किसे, जो आलसी का बाप है वो भी उसे कर सके, उसे प्राप्त कर सके। तब चक्रतिपाद कहते ठीक है कि उम्र यदि बढ़ गई तो आदमी आलसी है, मान लो कुछ कुछ लोगों में आलस नहीं है, कुछ कुछ लोगों में आलस नहीं है, तो कहते हैं मंदा सुमंद मत यो, मंदा सुमंद मत यो। मान लो जो लोग आलसी नहीं है तो वह सुमंद है, सुमंद माने बुद्धिहीन है, शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं है। मान लो किसी में आलस नहीं है, वह बड़े एक्टिव है, चलो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़कर क्या करेंगे, उस पढ़कर किसी निर्णय पर पहुंचने की बुद्धि ही नहीं। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर अनेकों प्रकार के मत, अनेकों प्रकार के पथ खड़ा कर देते हैं, अनेकों मत अनेकों पथ, क्योंकि पढ़ते हैं लेकिन उस शास्त्र को ठीक से समझ नहीं पाते। और भक्तों, शास्त्र भी बड़ा विचित्र है। नारद मुनि ने कहा क्वचित हंस विचित्र कथम, ये शास्त्र बहुत विचित्र है, शास्त्र को समझना बहुत कठिन है। इसलिए जब तक कोई शास्त्र को समझाने वाला न हो तब तक बहुत मुश्किल। मैं साक्षात कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कृष्ण आप सबसे पहले कर्म की प्रशंसा किए और बाद में ज्ञान की प्रशंसा किए और उसके बाद में आप भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभु मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि क्या करना है मुझे। साक्षात भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन फिर भी अर्जुन कंफ्यूज है, बताइए संसार के लोगों का क्या होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि जन मत के ऊपर मत छोड़िए, लोगों के मत पर मत छोड़िए, आप अपना मत दे दीजिए कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, क्योंकि आपने तो सारे शास्त्रों को पढ़ा है, आप ही बता दीजिए। क्योंकि संसार के लोग जतो मत ततो पथ, अपनी बुद्धि अपने मन के अनुसार शास्त्रों की बातों को स्वीकार करेंगे और स्थापित करेंगे। आज हम देखते हैं भगवान के द्वारा निर्मित मात्र चार संप्रदाय पद्म पुराण में वर्णन, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय,
ये चार संप्रदाय जो है भगवान के द्वारा निर्मित, परंतु आज कलयुग में सैकड़ों संप्रदाय बन गए। रोज एक नया संप्रदाय बन रहा है। फलानी जगह पर एक आज नया संप्रदाय खुला। ये संप्रदाय कोई दुकान है? जब चाहे तब शटर खोलो बंद करो। लेकिन भक्तों, शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़कर अपनी बुद्धि अपनी मन से नए संप्रदाय का निर्माण कर देते हैं। ये जो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं भक्तों, ये कलयुग के लोगों की मन और बुद्धि की उपज है। गीता ही पढ़ते हैं, आधार गीता है, लेकिन गीता के अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाए तो एक नया मत शुरू कर दिया। भागवत ही पढ़ते हैं, लेकिन भागवत के अर्थ का कोई अलग अर्थ निकाला और एक नया मत खड़ा कर दिया। भक्तों, मूल अर्थ तो ये सनातन धर्म, परंतु इन शास्त्र को नहीं समझने के कारण छोटे छोटे मार्ग लोगों ने खड़े कर दिए। ऐसे छोटे मार्गों के प्रति आप दृष्टि न करते हुए कोई बड़ा मार्ग है सुत जी, आप बता दीजिए बड़ा मार्ग। तो ऋषि मुनि सुत जी से कहते हैं कि कृपा करके आप ही बताइए, और यदि किसी में बुद्धि हो, मान लो कि किसी में बुद्धि है, तो सुत जी कहते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं, मंद भाग्य युपद्रुता। मान लो किसी कलयुग के मनुष्य में बुद्धि है शास्त्र को समझने की, तो मंद भाग्य, उसका भाग्य मंद है, भाग्य विहीन है। शास्त्र को समझने की बुद्धि है, बुद्धिमान है, लेकिन भाग्य नहीं। मंद भाग्य का अर्थ है साधु संग हीना, अर्थात बुद्धि है, वे समझना चाहता है, लेकिन साधुओं की संगति नहीं मिलती। साधुओं की संगति मिल जाए तब तो वह संसार की श्रेष्ठ वस्तु को पा सकता है, लेकिन बुद्धिमान है, आलसी भी नहीं है, उम्र भी है, सब कुछ है, लेकिन साधु की संगति नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य नहीं। भक्ति, ये साधु की संगति तो उसी को मिलती है जिनका बहुत बड़ा भाग्य होता है। भगवान रामचंद्र ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। ये संत साधु महात्माओं का संगम, संतों का मिलन है, पुण्य के पुंज के बिना नहीं हो पाएगा। अनंत अनंत जन्मों के पुण्य और सुकृति का जब उदय होता है, जन्मांतर तर भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जब मिलता है, तब जाकर सत्संगति मिलती है, संतों का संग होता है। वहां लंका में हनुमान जी और लंकिनी का जब मिलन हुआ, हनुमान जी मच्छर जैसा सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने गए, लेकिन उस राक्षसी लंकिनी ने हनुमान को पकड़ लिया, बोले तुम नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा, माता जी जाने दीजिए, राम कार्य के लिए आया हूं। लंकिनी ने कहा, चोर दुष्ट निकल जाए यहां से, नहीं तो तेरे जैसे हजारों लोग मेरे मुख के भोजन बन जाते हैं। हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर बैठा है और तू मुझे चोर कह रही है। वज्र के समान अपनी मुष्टिका बनाई और हनुमान जी ने एक प्रहार किया, खून की उल्टी हो गई। लंकिनी वहीं पर गिर गई, और उस समय लंकिनी ने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, हनुमान जी महाराज, आज मुझे पता चला कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। क्यों? क्योंकि आज मुझे आप जैसे संत महात्मा का दर्शन हुआ। अर्थात संतों का दर्शन, महात्मा का दर्शन उसे होता है जिन्होंने पुण्य किया है, जिनके भाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा, जो भाग्यवान जीव होता है उसे गुरु और कृष्ण मिलते हैं, उसे संतों का मिलन होता है।
तो मान लो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि कलयुग में किसी की उम्र भी है, कोई आलसी भी नहीं है और बुद्धिमान भी है, लेकिन बेचारे का भाग्य इतना हीन है कि साधुओं की संगति नहीं। और यदि साधु अपने से संगति देने के लिए आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में, श्रील प्रभुपाद की इस संस्था में है, कोई संत परम करुणा करके यदि पापी तापी जीव के पास चला भी जाए तो कहते हैं मंद भाग्य युपद्रुता, मंद भाग्य युपद्रुता। यदि कोई संत अपने से उस व्यक्ति के पास अपना संग देने के लिए जाए तो वह व्यक्ति उपद्रुता, इतने उपद्रव में फंसा हुआ है कि उनकी संगति ही नहीं कर सकता। बहुत सुंदर श्लोक है, एक एक शब्द के साथ है। यदि मानो उनके भाग्य है और संत उनके पास आ भी गए तो जीवन में इतने उपद्रव हैं कि संत के साथ बैठ नहीं सकता, संत की बात सुन नहीं सकता, संत की संगति ही नहीं कर सकता। उपद्रुता, उपद्रुता का एक अर्थ है रोग, शरीर में रोग। कोई बहुत बड़े संत आए, बहुत बड़े संत की कथा हो हमारे एरिया में, हमारे पास, हमारे निकट आए, लेकिन शरीर में रोग है कि हम जा नहीं सकते। और यदि हम चले भी गए तो शरीर में ये निद्रा रूपी जो रोग है, संत के साथ बैठते हुए भी संत का लाभ नहीं लेने देता है। ये भी एक उपद्रुता है कि कुछ प्रभुपाद की कुछ बातें, शास्त्र की बातें, कोई संत कुछ सुना रहा है। मैं अपने आप को संत नहीं कह रहा हूं, श्रील प्रभुपाद की बातों को मैं सुना रहा हूं। श्रीधर स्वामी चक्रतिपाल वे संत हैं और उन संतों की बातों को सुनने का अवसर, लेकिन शरीर में उपद्रुता, निद्रा, संत की संगति में बैठकर भी उनका लाभ नहीं ले पाते, उपद्रुता। तो रोग है भक्तों। तो संत यदि किसी को अपनी संगति देने चला भी जाए लेकिन शरीर में रोग है जिससे उस संत की संगति का लाभ नहीं ले सकते। और कुछ लोगों को शरीर में रोग है, कुछ लोगों को दिमाग में रोग है। दिमाग में रोग है, फलाने व्यक्ति का प्रवचन है उसमें तो हम नहीं जाते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी बनती नहीं है। यह दिमाग का रोग है, यह बहुत बड़ा रोग चला है आज, कलयुग का भयंकर रोग है भक्तों। कलयुग कहां तक पहुंच गया है? पहले कलयुग जातियों में होता था, हिंदू मुस्लिम में, फिर जाति के अंदर घुस गया, हिंदू हिंदुओं में झगड़ा, फिर संस्था में घुस गया, फिर अंदर एकदम इतना करीब आ गया, इसकी कोई हद नहीं। नहीं, उनका प्रवचन तो हम नहीं सुनते कि उनका मत सुनना। ये दिमाग का रोग है भक्तों, उपद्रुता शब्द के ऊपर कह रहा हूं। खैर यहां तो सब लोग शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उपद्रुता ये ऐसा कलयुग में हो रहा है भक्तों। वहां उनका उनका मत सुनना क्योंकि वो तो कुछ गलत बोलते हैं। अरे ईश्वर की यदि कृपा हो और कुछ लोग हमारे आश्रित हो तो हमारे आश्रितों को किसी के प्रति प्रेम बढ़ाने का काम करना चाहिए, किसी के प्रति भाव बढ़ाने का काम, लेकिन हम गिराने का काम करते हैं। ये दिमाग का रोग है भक्तों। वहां मत जाना उनके श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कई बार हम हमारी जाति दुश्मनी जो है इस आध्यात्मिक स्तर पर लेकर आते हैं। सही बात है, बहुत अनुभव है वक्त। फलाने के प्रवचन में मत जाना तो उनके आश्रित पूछते हैं क्यों? क्योंकि वो जब मेरे सामने आया ना तब मुझे प्रणाम नहीं किया था। एक बार कोई आदमी भगवत चिंतन में बैठा है और प्रणाम करना भूल गया तो सारे आश्रितों को उनके प्रवचन में जाना बंद, कथा से विमुख,
उपद्रुता। ऋषि मुनियों ने 5000 वर्ष पहले जो कहा आज घट रहा है, भविष्य दृष्टा। भक्तों, इन इन संकीर्णता से हमें बाहर निकलना चाहिए। ऐसी संकीर्णता से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान का प्रिय नहीं बन पाएंगे, भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब संकीर्णता को, हां ये देखना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में है, सिद्धांत ठीक है। यदि सिद्धांत ठीक है, गौड़ीय परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, शुद्ध भक्त है, तब हमारी निजी शत्रुता, हमारे निजी विचारों को उसमें लाकर आध्यात्मिक प्रवाह को कट कर देना, या हमारे आश्रितों को आध्यात्मिक प्रवाह से विमुख कर देना, ये तो बहुत बड़ा आतंक है, तो उपद्रुता है। कितनी सुंदर सटीक सटीक बात कही, पहले से शुरू करें तो एक तो आयुष्य कम है, प्राये नाल्पायुष सभ्य, एक तो आयुष्य कम है और ऊपर से आदमी प्रमाद आलस्य है, आलस है, और आलस में भी बुद्धि मंद है, और मंद बुद्धि में भी साधुओं की संगति नहीं है, और साधुओं की संगति हो रही हो तो उपद्रुता। इतनी इतनी प्रॉब्लम कम है कि एक नई प्रॉब्लम उपद्रुता ही उपद्रुता। श्रील प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं, उपद्रुता शरीर का रोग, दिमाग का रोग है। भक्तों, मैं ये कह रहा था, पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि पर लेटे हुए हैं, शरशैया पर सोए हुए हैं, और युधिष्ठिर महाराज वहां पर पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने गए। बहुत सुंदर उपदेश प्रवचन पितामह भीष्म के द्वारा होने जा रहा, और तीनों लोक में सबको पता चला कि पितामह भीष्म प्रवचन कर रहे हैं। सब लोग तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, सब लोग अपने अपने शिष्यों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के पास आए। तो वहां पर सूत जी ने सबका नाम गिनाया, ये आए ये आए ये आए, सब शिष्यात आए, लेकिन एक नाम जो है हमारे लिए एक बहुत सुंदर एक उपदेश देता है कि साक्षात परशुराम, परशुराम जी सशिष्यात अपने हजारों शिष्यों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन सुनने आए। अब इतिहास खोलकर देखें तो पितामह भीष्म और परशुराम के बीच में तो बहुत बड़ी शत्रुता है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में। जब पितामह भीष्म अंबा अंबिका अंबालिका तीनों का अपहरण करके आए आ रहे थे, अंबा ने कहा मैं तो मन ही मन शाल्व नरेश के साथ विवाह कर चुकी हूं, अंबा को छोड़ दिया, और अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कराया। शाल्व नरेश ने देखा कि अंबा का अपहरण हो चुका है तो उसने त्याग दिया। अंबा आई पितामह भीष्म के पास, बोले शाल्व नरेश ने त्याग दिया, आप मेरे साथ विवाह करो। तो पितामह भीष्म ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। बोले करना ही होगा, नहीं कर सकता हूं। तब अम्बा पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास गए, धनुर्विद्या का ज्ञान परशुराम जी से ग्रहण किया था। अम्बा रोने लगी और परशुराम जी को कहा कि आपके चेले को थोड़ा मनाइए, ये आपका चेला देवव्रत, एक तो मेरा अपहरण करता है और अब मेरे साथ विवाह करने के लिए मना कर देता है। परशुराम जी अंबा की बातों में आ गए, बोले चलो मेरे साथ, कैसे विवाह नहीं करता मैं देखूंगा। आए पितामह भीष्म के पास, परशुराम जी ने कहा भीष्म अंबा से विवाह करो। पितामह भीष्म ने कहा गुरुदेव अन्य सारी आज्ञा मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन विवाह की आज्ञा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बोले विवाह करना होगा, पितामह भीष्म ने कहा नहीं करूंगा। बोले करना होगा, नहीं करूंगा। तब परशुराम जी ने कहा यदि विवाह नहीं करोगे तो मेरे साथ युद्ध करना होगा,
पितामह भीष्म ने कहा विवाह के बाद रोज रोज युद्ध करने से अच्छा है एक बार में आपके साथ कर लो, तुरंत रिजल्ट, या मैं नहीं आप नहीं, खत्म करो इस बात को। रोज रोज मरने से, झगड़ा करने से, युद्ध करने से अच्छा है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, भयंकर। देवताओं के 100 वर्ष तक युद्ध चला भक्तों। देवता आकाश में आए, देवता लोग का स्वभाव है, ये सब देखने का बड़ा आनंद आता है। रास्ते से जाते हैं और कुछ लोग झगड़ा करते हो ना, तो खड़े रह जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, धीरे धीरे गाड़ी वाले थोड़ा रश लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, और उसमें भी 2-3 लोग कहते हैं मार, मैं खड़ा हूं ना, मेरे नाम से थे। बारी आता ही तब ये भाग जाता है। ऐसा भागवत में अनेक स्थान पर वर्णन, गजेंद्र का युद्ध हुआ तब देवता आकाश में आए, पितामह भीष्म इनका हुआ तब देवता आए, एक नीचे उतर कर छुड़ाओ तो सही। सज्जन आदमी जो झगड़ा करते उसे छुड़ाता है, उसे दूर करता है, लेकिन देवता बस आकाश आनंद ले रहे हैं। बिना पैसे का फिल्म। तो दमासान युद्ध हुआ, 100 वर्ष तक पितामह भीष्म और परशुराम जी के बीच में युद्ध हुआ। नारद जी करुणामय, नारद जी को पता चला, नारद जी आए और नारद जी ने दोनों को अलग किया। रिजल्ट को तो कुछ आया नहीं, लेकिन दोनों वीर थे, दोनों को अलग किया, शांत किया, दोनों अपने अपने घर पर गए। आप विचार कीजिए, 100 साल तक जिन्होंने युद्ध किया था, लेकिन जब परशुराम जी को पता चला पितामह भीष्म प्रवचन कर रहे हैं, तो उस समय अपने सारे शिष्यों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के चरणों में बैठकर उन्होंने प्रवचन, इस शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण किया। अपनी जाति दुश्मनी, अपने जो विचार है उसको एक अलग छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण। बुद्धिमानी ये है भक्तों, ये है बुद्धिमानी। कई बार ऐसा होता है, बहुत सुंदर कथा चल रही है, भागवत कथा में आई है, तब कहते नहीं कथा तो अच्छी है, लेकिन जिसने भागवत कथा का आयोजन किया है ना, जो यजमान है ना, उसके साथ हमारी बनती नहीं है। यहां तो ठीक है, मैं अन्य जगह की बात कर रहा हूं, ये जो आपके यजमान है ना, उनके साथ हमारी बनती नहीं है, इसलिए हम नहीं आते। तो कुछ लोग कहते हैं आप आइए, भागवत कथा बहुत अच्छी कथा चल रही है। बोले हमें इन्विटेशन नहीं है। बताइए, ये टीवी सीरियल वाले या फिल्म वाले क्या थिएटर से इन्विटेशन भेजते हैं? शुक्रवार को बहुत अच्छा लगा है, आप विथ फैमिली कृपया करके पधारिएगा, और फिल्म के बाद बहुत सुंदर प्रसाद है। नहीं, कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे खर्च कर करके हम जाते हैं। लेकिन जब भागवत कथा हो, भगवत प्रवचन हो, तो आलसी बन जाते हैं, उपद्रुता। मंद भाग्य है, और उससे भी बड़ी चीज है उपद्रुता। शरीर में रोग होने के कारण साधु की संगति का लाभ नहीं ले सकते, या दिमाग में रोग होने के कारण साधु की संगति का लाभ नहीं ले सकते, या संसार में भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त होने के कारण साधु की संगति का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए हे सुध गोस्वामी, कृपया करके जनमत के ऊपर मत छोड़िए, लोगों के ऊपर मत छोड़िए, आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, उन शास्त्रों में से ही आप बता दीजिए कि इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है, मनुष्य का सबसे बड़ा। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों ने यह प्रश्न पूछा, शाम को 4 बजे सुध गोस्वामी इसका उत्तर देंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।